ऐसे कई मिलते हैं सत्संग जो कहते हैं भगवान है तो दिखाओ, भगवान है ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन्हें नास्तिक नाम दिया जाता है वो लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं। गुरु रामदास जी बड़े निराले ढंग से ऐसे लोगों को समझा रहे हैं, हर से बोलिए धन गुरु नानक, बड़े ही अनोखे ढंग से, बड़े कमाल का पहलू है। गुरु रामदास जी कहते हैं, श्रवण कर लीजिए फिर अर्थ लेते हैं। पंच तत्व कर तुझ सृष्टि सब साजे, कोई छेवा करे ओ जे किछ कीता होवे। फिर से पंच तत्व कर तुझ सृष्टि सब साजे, कोई छेवा करियो जे किछ कीता होवे। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहते हैं, क्योंकि जो ये कहते हैं ना भगवान नहीं, वो कहते हैं कि सब कुछ इंसान ने बनाया है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी टेक्नोलॉजी, मोबाइल, हर चीज इंसान ने तो बनाई है, भगवान ने क्या किया। गुरु रामदास जी उन्हें समझा रहे हैं अपनी वाणी में, कहते भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की पांच तत्वों से। पंच तत्व कर तुझ सृष्टि सब साजी, कोई छेवा करियो ये किछ कीता होवे। पांच तत्वों से भगवान ने सृष्टि बनाई। पांच तत्व कौन से सबको पता है, जमीन, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, पांच तत्व। पांच कुछ भी बना हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे इंसान हो, पांच तत्वों से बनी है। जमीन, आकाश, हवा, पानी और अग्नि हर एक में है, उसके बिना नहीं बनता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहते हैं, अगर इंसान तूने सब कुछ बनाया है तो एक छेवा तत्व भी बना देना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, छेवा तत्व बना के दिखा। इस सृष्टि में पांच तत्व हैं, तो छेवा बना के दिखा तब मानेंगे हम कि सब कुछ तूने बनाया है। और जिसने पांच तत्व बनाए हैं, हमें कुछ भी बनाने के लिए पांच तत्व लगते हैं। कुछ भी बनाना हो तो ये पांच तत्वों के बिना हम नहीं बना सकते। और उसे पांच तत्व बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कौन? एक ओंकार जो सत है, सतनाम, इसका नाम सतनाम है, जो सारे संसार का कर्ता है, कर्ता पुरख। निर्भव है जिसे किसी का डर नहीं, निर्वैर है किसी से बैर नहीं, जो अकाल मूर्त है, जो अकाल है, समय से परे, समय के अधीन नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु।